अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है जी शाम का टाइम, जुमेरात है आज, तो मैं बना रही हूँ जी ये सूजी की टुकड़ियाँ। तो मुझे, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने जी ली है कढ़ाई एक अदद, और साथ मैंने लिए जी एक कप सूजी और उसी का हाफ कप यानी कि चीनी ली। अगर एक कटोरी मेरे पास सूजी है तो उसकी आधी कटोरी मैं चीनी लिया, और उसी में उससे भी चीनी से भी कम ज़रा सा मामूली सा पानी मैंने इसके अंदर डाला। और ये साथ लिए जी मैंने कढ़ाई, इसमें मैं डालूंगी ये वाले जो दो चम्मच आपको नज़र आ रहे हैं ऑयल के, और साथ मैंने डाली हुई ये कप सूजी। और इसको अब मैं अच्छी तरह भून लूँगी जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती। 7 से 8 मिनट इस तरह मैंने इसको भुना था। और साथ ये जो मैंने ट्रे रखी हुई थी, ट्रे ले लें या जो भी ले लें, मेरे पास ये थी तो अवेलेबल, मैंने इसी में कर लिया। आप लोगों को जो बेहतर लगे आप उसमें कर लें। तो मैंने इसके अंदर जी ऑयल लगा के खोपा, नीचे मेरे पास सिर्फ खोपा था और इलायची थी, इलायची मैंने सूजी में डाल दी थी, और ये साथ मेरा शीरा भी तैयार हो रहा था, और मैंने इसके अंदर जी खोपा वगैरह डाल दिया था, और एंड पे मेरे पास थी सिर्फ खजूरें। बाकी खुश्क मेवाजात मेरे पास घर में अवेलेबल कोई भी नट्स नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आपके पास अगर है तो आप लोग डाल सकते हैं। वही शीरा जी जब पक गया एक तार वाला, तो मैंने उसको इसके अंदर डाल दिया। वो शीरे को जब उठा के चेक करते हैं ना, तो वो तार सी बनती, तो एक तार थी। वो जब बन गया वो शीरे को, फिर उसमें मैंने सूजी में डाला, और सूजी को अच्छी तरह भून के, फिर वो जब कढ़ाई ने उसको छोड़ दिया, तो फिर मैंने उसको इस ट्रे में डाल दिया, और इसको इस तरह हिला के बैलेंस उसका बराबर कर लिया आराम से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो खोपा बचा हुआ था वो भी डाल दिया, और खजूरें मेरे पास थी वो खजूरें मैंने काट के इस पर डाल दी। 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसके ऊपर छुरी से कट लगा दिए, ताकि बाद में मुझे आसानी हो निकालने में। फिर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता, फिर काटना मुश्किल हो जाता, फिर वो चूरा बनना शुरू होता। तो निशान मैंने ये लगा लिए थे जी, और ये इसको मैं ठंडा होने के लिए अंदर रख दूँगी। और जी मेरी जी टुकड़ियाँ सूजी की तैयार हैं।